नमस्कार दोस्तों, आज हम अल्ट्रोज के सामने खड़े हैं। ये है डार्क एडिशन टॉप मॉडल। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, ऑनर से बात करेंगे और इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे। क्यों आपको ये गाड़ी लेना चाहिए और आपको इसी प्राइस में, ये डीजल है 1.5 लीटर, तो आज पूरी गाड़ी दिखाएंगे, बात करेंगे हम ऑनर से। तो चलिए पहले ऑनर जी से बात कर लेते हैं। तो पहले हम ऑनर से बात करते हैं एक बार इनके। तो ये हैं हमारे टाटा अल्ट्रोज के ऑनर। सर एक इंट्रो दीजिए। माय नेम इज आशीष सिन्हा। ओके। और आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ टाटा अल्ट्रोज एंड टाटा, बिकॉज इससे पहले मैं चला रहा था वैगनर, और वैगनर में भी काफ़ी चलाई मैंने, मारुति गाड़ी भी काफ़ी चलाई। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर आप मान के चलिए कि अभी इस जून को तो मैंने वैगनर का अपना वहाँ से कटवा के okay. और अपनी अल्ट्रोज ली। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सा वेरिएंट कहलाया? ये अपना टॉप एंड है, डार्क एडिशन 1.5 डीजल। डीजल में जी। ओके। तो मतलब टॉप मॉडल ही कहलाया। अच्छा अच्छा। तो कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। अभी तक तो गाड़ी मैंने कम से कम 4,500 किलोमीटर चला चुका। अच्छा अच्छा। हाईवे पे भी जा चुका हूँ, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत कर चुका हूँ। क्या माइलेज निकाल रही होगी अभी? जैसे मैं बताऊँ आपको, अभी मैं गया था नागपुर। अच्छा अच्छा। तो नागपुर आप मानोगे नहीं कि 24-23 किसने निकाला। और कटनी गया हूँ तो कटनी में अगर क्रूज कंट्रोल पे अगर आप इको मोड पे गाड़ी रखते हो और आप इको मोड पे गाड़ी चला रहे हो, मान के चलो क्रूज पे भी 75-80 के स्पीड पे 25.2 मैंने निकाला है, मेरे पास स्क्रीन शॉट तक है। अच्छा अच्छा। इतना आपने निकाल लिया। निकाला है आराम से। तो देखिए हमारी नेक्सॉन भी खड़ी है वहाँ पे। जी जी। तो एक्चुअली जैसे मैं भी नेक्सॉन में हाईवे में चलाया, मीटर को रीसेट कर जी जी। तो 25 तक दिखा रहा था। हाँ, उसमें MID में आपको मीटर रीसेट करने पे दिखा रहा था वो, लेकिन वो फिर हाईवे में ही दिखाता बस। हाँ, सिटी में नहीं। सिटी पे थोड़ा सा एवरेज आप मान के चलो थोड़ा डाउन ही होगा। हाँ, आप इको पे भी चलाएंगे थोड़ा सा डाउन ही लगेगा आपको, क्योंकि अब इंजन भी बड़े हैं। हां 1.5 जैसे मैं चला रहा हूं। हां 1.5 तो थोड़ा सा अगर आपको, हालांकि एवरेज अच्छा मिलता है। एवरेज तो अच्छा है क्योंकि नेक्सॉन 1.2 है वो पेट्रोल में है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, अगर एवरेज कम भी निकाल रहा, लेकिन सेफ्टी फीचर्स हैं, इनके 5 स्टार रेटिंग गाड़ियां चला रहे हैं। हां वो भी है, सेफ्टी से बड़ा क्या है। अच्छा अच्छा। दो चार के एवरेज भी ऊपर नीचे होता तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अभी आपको मतलब इसमें क्या बहुत स्पेशल ऐसा लग रहा है जो ऐसा स्पेशल? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि पहले भी हैचबैक पे था, लोग बोले कि यार 12.5-12 की गाड़ी ले रहे हो तो आप तुम कॉम्पैक्ट SUV भी ले सकते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन जो एक फील होता है गाड़ी का ना, जो एक वेट समझ में आता है गाड़ी का, जो गाड़ी जो जब हाईवे पे कहीं पे चलती है, इंच बाय इंच जो आप जो कटिंग करते हो गाड़ी, मैं 70-80 पे भी अगर गाड़ी को हाईवे पे अगर काट रहा हूँ तो गाड़ी इंच बाय इंच वहाँ से कटती है। इसके एरोडायनामिक्स इतने शानदार है ना कि आपको समझ में नहीं आता। स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है। राइट राइट। सनरूफ इसमें नहीं होगा? इसमें सनरूफ नहीं, CNG पे भी जो आ रहा है उसमें सनरूफ दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो CNG पे आ रहा है। हाँ, लेकिन CNG मेरे को चाहिए नहीं था। सनरूफ वाला। हाँ, तो मैंने कहा फिर। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। और थोड़ा गाड़ी को भी देखते हैं अपन, और कुछ चीजें बताएं इसके बारे में। जैसे आपको नेक्सॉन आपने पहले प्लान किया था लेने के लिए? हाँ, नेक्सॉन प्लान किया था मैंने। नेक्सॉन का भी जैसे आपने देखा होगा नया वेरिएंट भी आ गया। अच्छा, नेक्सॉन का नया फेसलिफ्ट आया। यहाँ पे नहीं आया अभी। अभी अपने यहाँ पे नहीं आया। लेकिन अब ये था कि नेक्सॉन में मैं इसलिए भी नहीं गया क्योंकि मेरी क्या है, ज्यादातर ऑफ रोडिंग है भी नहीं। अच्छा अच्छा। हाईवे का मेरा काम है। हाँ। प्लस थोड़ा सा बजट भी जो है ना, मैं लेता हूँ टॉप एंड ही। राइट राइट। मेरे पास जो पहले भी 2-3 गाड़ियां रही टॉप एंड ही मैंने ली। हाँ, टॉप ही लेना चाहिए। हाँ, बाहर से काम करवाने कोई सेंस ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कंपनी इतना सब कुछ दे रही है। हाँ। अब आजकल लोग डैम्पिंग वैम्पिंग करवा के दे रहे हैं, ऑलरेडी टाटा सब कुछ करके दे रही है आपको। साउंड सब जानती है, हरमन के लगे हुए हैं, तो साउंड में भी आपको कुछ दिक्कत नहीं है। गाड़ी चलाने में पावर से लेकर कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। जैसे इसमें देखते हैं थोड़ा सा, जैसे एक्सेलरेटर अपन दबाते हैं कम, एकदम से पिकअप नहीं पड़ती उसका ऑप्शन, उसका रीजन उसका देखिए क्या है। 1.5 का डीजल इंजन तो दिया है इन्होंने। हाँ, ठीक है। हाँ, अब कभी कभार जैसे मैंने बोला कि आपसे सिटी मोड पे है कि इको मोड पे है। हाँ, हालांकि गाड़ी सिटी मोड पे स्टार्ट होती है। राइट, राइट। इको मोड पे स्टार्ट नहीं होती। हाँ, हाँ। थोड़ा सा वो आपको एक लैग सा लगेगा बस स्टार्टिंग शुरू में। हाँ, शुरुआत में। लेकिन एक बार गाड़ी अपने कंटिन्यूस फॉर्म पे आ गई, एक आप ये कह लो कि इंजन को हीट होने में उतना टाइम नहीं मिला। राइट, राइट। ये भी कह सकते हैं डीजल इंजन थोड़ा सा हीट का आपको वहाँ पे दिखाता है, एक बार वो हीट नहीं हो पाई या ऐसा कुछ होता है। एक बार जब वो अपने पावर पे आ गई गाड़ी, तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो फिर वरना इसके साथ तो फिर वरना रहना तो कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा, वही बता रहा हूँ। वरना का पिकअप एकदम से पकड़ता है अपन जैसे ही रखते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक दिन चलाया था तो एकदम से नहीं भाग रही थी। जब रखते हैं थोड़ी देर बाद फिर भागना शुरू होती है। सेकंड थर्ड गियर पे फोर्थ गियर पे जब फिर आप जा पाते हो ना, तो आपको फिफ्थ गियर पे भी बता रहा हूँ ना, फिफ्थ गियर पे भी 120 स्पीड पे भी आपको गुंजाइश मिलती है कि मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आता है इस गाड़ी। अच्छा अच्छा। वही उन्होंने बताया कि इसमें दो मोड है, वो मोड डाल लो तो तब भी। हालांकि वो तो निकली पावर तो दोनों में मिल रहा है। बिल्कुल, अगर आप ट्रस्ट करोगे तो पावर दोनों में मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि हाँ वो आपको समझ में आएगा। राइट राइट। सिटी में है तो आपको तो समझ में नहीं, वो तो आप तो फिर हाईवे में तो फिर आप तो
चलाओ इस गाड़ी को आराम से चलाओ, कोई इशू नहीं है। जैसे नेक्सॉन में तीन मोड है, स्पोर्ट स्पोर्ट अगर डाल देते हैं तो बहुत पिकअप पकड़ता है एकदम से, बहुत अच्छा मोड है वो स्पोर्ट वाला। पर अपन गाड़ी को भी देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं गाड़ी का जो ये डार्क एडिशन है, एक्सजेड प्लस है ये शायद, जी जी एक्सजेड प्लस है ना डार्क एडिशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज जो है इसमें दी गई, जैसे कि यहाँ पे रिकर्स्ट ओपनिंग सेंसर है उस साइड है ना, यहाँ पे नहीं है, ये क्रोम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे भी क्रोम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं एक चीज मिस कर दी है इन्होंने, ये जो लाइट यहाँ पे देनी चाहिए थी, ये चीज थोड़ा बेकार करती है, ये ओवरव्यू में होना चाहिए था, देना चाहिए था क्योंकि अभी बेस मॉडल जैसा फीचर है ये, पर ठीक है छोटी होने के कारण शायद इन्होंने ना दिया हो, है ना। तो ये ऑलमोस्ट और अलॉय व्हील भी आपको यहाँ पे कितने इंच के हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील है और फॉग लैंप है, प्रोजेक्टर हेड लैंप है ना, टर्न इंडिकेटर भी इसमें कनेक्टेड है यहाँ पे देख सकते हैं। और आनंद ने काफ़ी अच्छा रिव्यू भी दिया है इस गाड़ी का, देख सकते हैं आप। एक बार अंदर भी देख लेते हैं अपन, तो यहाँ पे देखते हैं अंदर चल के इसका इंटीरियर कैसा है। तो ये देख सकते हैं अपन, आपको यहाँ पे ओवरव्यू कंट्रोल भी मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिलते हैं, चाइल्ड लॉक का बटन है और ये एक डोर ओपनर भी यहाँ पे दिया गया है। ट्विटर का ऑप्शन है ना, ट्विटर यहाँ पे भी फ्रंट में भी है, दो ट्विटर है, यहाँ स्पीकर भी है, एक यहाँ पे ट्विटर, टोटल 8 स्पीकर है ना। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे एक और स्पीकर कहाँ पे दिया हुआ है, ये दो हो गए, अच्छा ये दो और पीछे दो, अच्छा 8 स्पीकर है ना यहाँ पे, एक दिया हुआ है ये जी। ओके और देख सकते हैं पुश स्टार्ट का बटन है, ट्रैक्शन ऑफ का ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, और ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑप्शन है। और आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। और हम आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है इसमें, है ना। और स्क्रीन की बात करें तो ये स्क्रीन एक अच्छी स्क्रीन मिल जाती है, एसी के बेंड्स में काफी अच्छी क्रोमिंग भी दी गई है, अच्छी चीज उसमें और ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स तो इसका सबसे सबसे ज्यादा स्पेस, दो ठंडी रहे, सबसे ज्यादा स्पेशियस ग्लव बॉक्स है पूरे सेगमेंट में, ये लैपटॉप वगैरह भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, की बॉटल दी है, अभी मैगी भी खा रहे थे हम लोग, नहीं नहीं बहुत अच्छा, मतलब बाकी हुंडई की गाड़ी को जो ग्लव बॉक्स है ना छोटा सा है वो, जी जी जी, इस पे बहुत ज्यादा जगह दी है, बहुत डिटेल, बहुत डिटेल, देखो ना हाथ मेरा पूरा पूरा घुस रहा है मेरा हाथ, पूरा हाथ स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है। और इसे प्लेट आप निकाल सकते हो, इसे पूरी पानी की बॉटल आपकी आ जाएगी यहाँ पे, अंदर चिलर दिया हुआ है, आपका वही इसी से चिलर जो रखते हैं वो दिया हुआ, अंदर दिया हुआ है, अंदर वेंट है, पूरा वेंट है। ओके और पूरा यहाँ पे डार्क, ये पूरा डार्क है यहाँ पे, अब नाम ही है डार्क एडिशन। यहाँ पे एक सन होल्डर मिल जाता है, सनग्लास होल्डर, लाइट वही नेक्सॉन वाली लाइट लगी हुई है। और ये देख सकते हैं एक छोटा सा, और ये लाइट्स ये देखें बैक मिरर की, ये भी थोड़ा समझ लगा कि मुझे ये ऑटोमेटिक देना चाहिए। हाँ टॉप पे नेक्सॉन पे तो ये भी नहीं लगा हुआ है हमारे नेक्सॉन, अच्छा ये नॉर्मल छोटा सा कांच लगा के दिया है, मुझे लगा क्योंकि अपॉइंटमेंट को ये देना चाहिए था, हाँ थोड़ा सा जो है एक ऑटोमेटिक देना मिल आखिर मार्केट में शायद आता है, आता है ओके। और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी, क्लाइमेट है ना, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। और यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट दिया गया है, 12 वोल्ट यहाँ पे पेन ड्राइव लगा सकते हैं, यूएसबी टाइप और सी टाइप नहीं है, दो मोड है यहाँ पे, इको और सिटी दो ही है ना, तो ये दो मोड इसमें मिल जाते हैं। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और ये देखिए एक और है सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, दो मोड यहाँ पे मिलते हैं, दो ही इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, बाकी इसका टॉर्क वगैरह तो काफी अच्छा ही है, है ना। एक बार पीछे ही चल के देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा हेडरेस्ट भी मिल जाता है आगे की तरफ, जिसको हम पीछे कर सकते हैं आगे कर सकते हैं, हैंड ब्रेक और 5th मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में भी इसका आता है ना, डीसीए में है ना, ऑटोमेटिक है ना, डीसीए में है। यहाँ पे देखते हैं ओपन करने का ऑप्शन है, सिंपली ये देख सकते हैं अपन, ये पावर विंडो यहाँ पे मिल जाती है, एक डोर ओपनर और ये स्पीकर मिल जाते हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक देखते हैं बहुत अच्छा फीचर, अगर पार्टी वगैरह करना है, लेकिन कप होल्डर इसमें नहीं है, हाँ अभी नहीं है इसमें, पर वो लगवा सकते हैं हम, हाँ, मार्केट से आफ्टर मार्केट। सबसे अच्छी बात इसका रियर एंड रियर वेंट एसी बहुत अच्छा, ये जो दिया है ये देखते हैं, पीछे यहाँ पे एसी भी दी गई है और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, चार्जर का एक और, और पीछे से गाड़ी का लुक जो है कुछ इस तरह से आता है अल्ट्रोज का, ऑलमोस्ट काफी अच्छा है अगर इस मॉडल को लेना चाहे तो। चार्जर भी होता है और गाड़ी में हवा भरना हो तो उसको चार्ज करो, वो 12 वोल्ट का सॉकेट है उसमें लगा सकते हैं मुझे, तो हवा ही भर जाती है, राइट राइट। चलिए काफ़ी अच्छा, एक बार बूट ओपन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दिया गया है,
ये देख सकते हैं तो काफी बूट भी यहाँ पे देख सकते हैं। आई थिंक 350 लीटर का तो हो गई, 350 लीटर का ही बूट स्पेस है इसमें भी। और ये देख सकते हैं काफ़ी जगह है, काफ़ी अच्छा लुक जो है इस मॉडल का है। और इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली एक हैचबैक, जो कि डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है, सीएनजी में भी आती है, तीनों में। और यही एक हैचबैक बची है मेरे ख्याल से जो डीजल पेट्रोल और सीएनजी। हाँ राइट। तो दोस्तों मेरा नाम आशीष सिन्हा है। तो आशीष भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी का जो रिव्यू दिए हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए सर, इसके पहले आपके आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले मेरे पास वैगनआर थी। वैगनआर थी, अच्छा अच्छा। वो भी टॉप एंड लिया था मैंने, VXI वेरिएंट था वो, 2014 का वेरिएंट था। अच्छा अच्छा। उसको भी मैंने करीबन 1.5 लाख करीबन किलोमीटर चलाया। अच्छा, कितने इसका ऑन रोड प्राइस आपको कितना पड़ा? ऑन रोड प्राइस मेरे उसका पड़ा है 12.40। अच्छा अच्छा, हाँ इतना ही का ही होगा डीजल में। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा रिव्यू दिया। और ऑलमोस्ट दोस्तों गाड़ी को आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है लुक जो है, बहुत ही अच्छा है, डार्क एडिशन में है। तो एम्बेंट लाइट भी इसमें है ना, एम्बेंट लाइट भी जलती है यहाँ पे, वो एम्बेंट लाइट बहुत अच्छी लगती है। मेन फीचर जो था ना 90 डिग्री डोर ओपन। हाँ ये जो है ना पूरे डोर 90 डिग्री ओपन हो, 90 डिग्री ओपन होते हैं पूरे डोर। हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चलिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चाबी रखें ना? ठीक है ठीक, ओके। एक क्योंकि अभी लॉक हो गई थी मेरी 2 दिन पहले यहीं पे, चाबी अंदर छोड़ दिया था मैं। हाँ चलिए ओके दोस्तों, मिलते फिर।